Hello everyone, welcome to class 11 political science and here we are looking at our chapter 3 equality. अब देखिए यहाँ पे question arise होता है कि हम equality equality की बात तो कर रहे हैं but अगर हम globally देखें तो कितनी सारी inequality है. इसमें example दे रखे हैं आपकी global inequality के कि richest 50 individuals जो in the world हैं उनके पास combined income greater than है that is more than 40 crore people. और पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड है जो सिर्फ 5% ऑफ ग्लोबल इनकम रिसीव करते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, यूएनडीपी की रिपोर्ट है ये. उसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंडिया के अंदर भी है. सो इतनी सारी इक्वालिटीज की बात करने के बावजूद भी हम अभी बहुत अनइक्वल हैं. अब इक्वालिटी जो है ना, हमें हमारा प्रियम्बल, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. अगर आप प्रियम्बल पढ़ो, हर एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में दिया होता है, तो उसमें क्या लिखा है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. तो हमें हर तरीके की स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलेगी, ये स्टेट इंश्योर करेगा. सो वी आर फेसिंग अ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन कि हम आइडियल ऑफ इक्वालिटी को मानते हैं बट सच में हमको नई इक्वालिटी दिखती. तो वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ अनइक्वल वेल्थ अपॉर्चुनिटी वर्क सिचुएशन एंड पावर. सो क्या हमें कंसर्न होना चाहिए इन सब इनइक्वालिटीज़ के बारे में? ऑब्वियस सी बात है बेटा, होना चाहिए, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि हम इक्वालिटी लाएंगे, हम सब चीज़ें करेंगे, बट वी आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट. सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द काइंड दैट मेक इक्वालिटी वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी. तो इसकी ये बात की वजह से जो इक्वालिटी है ना, वो सेंट्रल थीम बन जाता है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी का. जो स्टूडेंट होते हैं ना पॉलिटिकल थ्योरी के, उनको एड्रेस करना पड़ता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कि हम इतने अनइक्वल क्यों हैं, इतनी सारी पॉलिसीज, इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारी गवर्नमेंट चीज़ें होने के बावजूद, इनफैक्ट रिजर्वेशंस तक होने के बावजूद सारी चीज़ें अनइक्वल क्यों हैं, कैसे जो सोसाइटी है वो बेटर होगी. बहुत सारे ऐसे सवाल हैं. अब दीदी हैं, दीदी गिर मत जाना दीदी. तो दीदी कह रही हैं कि वाई टॉक अबाउट ग्लोबल और नेशनल इनइक्वालिटीज व्हेन ऑल अराउंड अस देयर इनइक्वालिटीज व्हिच नोबडी सीम्स टू ऑब्जेक्ट, जस्ट लुक एट द वे माई पेरेंट्स फेवर माई ब्रदर ओवर मी. वो कह रहे हैं कि दीदी बोल रही हैं कि हम बात कर रहे हैं नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे इनइक्वालिटी की, बट इनइक्वालिटी तो इंडिविजुअल बेसिस पे. कह रही मुझे और मेरे भाई के ट्रीटमेंट को देख लो. आई हैव बीन ट्रीटिंग मच लोअर देन माय ब्रदर. तो इनइक्वालिटीज तो घर घर में बसी हुई है. सो दीदी की बात कहीं ना कहीं तक सच भी है. आज भी आज़ादी के इतने साल के बाद भी, इनफैक्ट इन आगे के समय तक भी, जो डिफरेंस है बिटवीन दीज जेंडर, और जेंडर डिफरेंस नहीं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो हमें आज भी समाज में देखने को मिलते हैं, ये शायद आगे तक भी देखने को मिलेंगे. तो हम ऐसा क्या करें कि इनइक्वालिटी जो है वो दूर हो जाए? किस तरीके से हम सब चीज़ें करेंगे? अब इन इमेजेस को देखो, कलर सर्वर इन रियर, नो डॉग्स, नेग्रोज, मैक्सिकन्स, ड्रिंकिंग फाउंडेशन वाइट कलर्ड, रेस्ट रूम्स वाइट ओनली, ये सारी चीज़ें क्या है? इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल्स हैं. सो ऑल ऑफ देम डिस्टिंक्शंस कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर, इन सब चीज़ों के ऊपर, विच इज ऑब्वियसली बात है नॉट एक्सेप्टेबल. स्टिल वी आर लुकिंग एट दीज थिंग्स इन आर सोसाइटी इन फ्रंट ऑफ अस. हाउएवर जो लोग हैं, ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे. आप सबको इक्वल ट्रीट करो, इसका ये मतलब नहीं आप सबको एक जैसा ट्रीट करो. सब के सब मेंबर इन द सोसाइटी कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, पर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है. अब देखो, स्मूथ फंक्शनिंग सोसाइटी कब होगा? जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा और जो फंक्शंस हैं पीपल के ऑफन इंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवार्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट. अगर एक प्रधानमंत्री है और एक डिफरेंट एक नॉर्मल सा क्लर्क है, तो ऑब्वियसली बात है पीएम इज मोर रिस्पेक्टेबल. तो अगर पीएम कहीं से जा रहे हो और वही सेम क्लर्क कहीं से जा रहे हो, और अगर आप पीएम को इज्जत दे दें, तो क्लर्क अगर केस कर दे जी सुप्रीम कोर्ट में, नहीं मेरे तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस था, ये कैसे हो गया? तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर एक्सेप्शंस में रखनी पड़ेंगी. सो प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, आर्मी जनरल्स हो गए, स्पेशल रैंक होल्डर्स हो गए, ऑफिशियल रैंक जिन्होंने होल्ड कर रखी है, उन सबको हमें जो है थोड़ा सा और बेटर स्टेटस देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट में है. तो कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि जस्टिफाइड होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं जो अनजस्टिफाइड होती हैं. कि अगर एक चाइल्ड जो है
वो स्लम में पैदा हुआ है तो उसको न्यूट्रिशनस फूड नहीं मिलेगा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। अब भाई उस बच्चे की क्या गलती है अगर वो स्लम में पैदा हुआ है? तो क्वेश्चन जो अराइज होता है, इन विच डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट, तो कौन से डिफरेंस आप स्वीकार करोगे और कौन से डिफरेंस आप स्वीकार नहीं करोगे, इस बात की बात करो ना। तो वेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर, वी कॉल इट अनएक्सेप्टेबल। वी कॉल दिस पार्ट एज अनएक्सेप्टेबल। सो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आप किस चीज को अनजस्टिफाइड बोलोगे, कि अगर आप किसी से बिहेव तभी डिफरेंटली कर रहे हो कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन में, एक पर्टिकुलर फैमिली में, एक पर्टिकुलर जेंडर में पैदा हुआ है, तो दैट इज वेरी 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 रॉन्ग। सो बट ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, परस्यू डिफरेंट एम्बिशंस होंगे, गोल्स होंगे, वो आगे जाके डिफरेंट पोस्ट पे पहुंचेंगे, पर अगर आप उनको पोस्ट के हिसाब से ट्रीट कर रहे हो तो दैट इज नॉट रिगार्डेड एज इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी के एक्सेप्शन समझना बहुत आसान है कि आप किसी को कास्ट, कम्युनिटी, उसके जन्म के हिसाब से नहीं बोल सकते हो, बट हाँ आप डेफिनेटली उसके कर्म के हिसाब से आप उसको जो है वो ट्रीट कर सकते हो। दैट वुड नॉट बी अनफेवरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी बेसिक थिंग। अब जो कमिटमेंट है टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। ऑल फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस कभी भी सोसाइटी के अंदर एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं, दे वुड बी इन द सोसाइटी इन एनी टाइप ऑफ फॉर्म। अब देन कम्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो बेटा बहुत ही प्यारी बात है, आपने प्रियम्बल पढ़ा है कभी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू सवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बहुत सारे वर्ड्स आए उसमें, और एंड टू प्रोवाइड ऑल ऑफ इट्स सिटीजन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब इंडिया के अंदर क्या है कि यहाँ पे सोशलिज्म जो है ना वो इस टाइप का नहीं है कि आप सबके पास इक्वल पैसा होगा, इक्वल रिसोर्सेज होंगे, बट आप सबके पास अपॉर्चुनिटीज जो होगी ना वो इक्वल होगी। यानी कि सबके सब मुकेश अंबानी नहीं बन हो, पर सबके सब मुकेश अंबानी बन सकते हो, हम ऐसा माहौल तुमको देंगे, वी विल गिव यू दैट काइंड ऑफ सोसाइटी टू यू। सो बेसिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप सबके पास इक्वल राइट्स होंगे टू एसेस द रिसोर्सेस। सो देयर दिस मींस कि सोसाइटी जो है, अच्छा कई बार क्वेश्चन आ जाता है रिजर्वेशन का कि ऐसा है मैम तो हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या बोल रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हम इक्वालिटी देंगे। अब आप इक्वालिटी कब दोगे, इक्वालिटी तो आप तब दे पाओगे ना जो जब सब लोग इक्वल होंगे, तो वो लोग जो बहुत पहले बहुत पीछे रह चुके हैं उनको लेवल में लाने के लिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने के लिए आपको उनको क्या देना पड़ेगा, आपको उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ेगा कि वो कुछ एक बेटर पोजीशन में आ जाएं कि सबके साथ जो है वो कंपीट कर सकें। कुछ जो ये चीजें हैं ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दे में ऑल्सो हैव डिफरेंट टैलेंट एंड स्किल्स हो सकते हैं लोगों में, जिसकी वजह से कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, कुछ सक्सेसफुल लॉयर बनेंगे, पर सोसाइटी ऐसा नहीं उन्हें अनइक्वल ट्रीट करेगी। तो इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ वेल्थ और प्रिविलेज दैट इज सिग्निफिकेंट, बट इनइक्वालिटीज इन पीपल एक्सेस टू सच बेसिक गुड एजुकेशन हेल्थ केयर सेफ हाउसिंग दैट मेक्स अनइक्वल सोसाइटी। यानी कि आपको अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी ना तो कभी भी इन सब के बेसिस पे नहीं होगी कि तुम्हारा जेंडर क्या है या तुम्हारे कलर क्या है, ये इन सब चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए, स्टेट विल इंश्योर। बट हाँ आपका अगर अपना आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है ना तो उस पे सोसाइटी क्या कर सकती है, उस पे सोसाइटी क्वेश्चन कर सकती है कि हाँ भाई अगर कोई बहुत रिच है तो उससे लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली जो एक पुअर पर्सन है, जो एक लोअर पोस्ट पे है उससे थोड़ा कम बेटर ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहां पे आप सवाल नहीं उठा सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो एक डिस्टिंक्शंस डिफरेंस हैज समटाइम्स बीन मेड इन पॉलिटिकल थ्योरी बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटीज एंड सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। नेचुरल इनइक्वालिटीज कौन सी होगी, दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट, चॉइसेस आर ऑफन प्रेजेंटेड एज नेचुरल इनइक्वालिटीज। यानी कि वो इनइक्वालिटी जो लोगों की कैपेबिलिटी, जो लोगों के टैलेंट, जो लोगों की चॉइस जो है
उसकी वजह से अगर हमें देखने को मिलता है तो दैट इज नेचुरल इनइक्वालिटी। जैसे किसी ने डॉक्टर बनना चूज किया, किसी ने क्रिकेटर बनना चूज किया, किसी ने टीचर बनना चूज किया, किसी ने चूज किया कि वो कुछ भी नहीं बनेगा, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है और उस पर्सनल चॉइस की वजह से जो डिस्टिंक्शन आ रहा है दैट डिफरेंस इज नोन एज नेचुरल इनइक्वालिटी। अब ये जो इस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज है ये डिफरेंट है फ्रॉम सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटीज विच एमर्ज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन एंड बाय अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी ऑफ सम ग्रुप ऑफ सोसाइटी बाय अदर्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो हो गया नेचुरल जो आपकी इनइक्वालिटी है, लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो तब आती है जब एक पर्टिकुलर ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को लैक करवा रहा है किसमें, किसी ना किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सोशल कौन होगा। सोशल वो होगा जब एक कास्ट हो सकती है या एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो किसी और ग्रुप को हराएगा या दबाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे हम इसे क्या बोल देंगे, वहां पे हम इसे बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। अब देखो ये भैया कुछ कह रहे हैं कि मेन जो है ना वो वुमेन से सुपीरियर होता है, नेचुरल इनइक्वालिटी है, तुम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। दीदी बोलती हैं मुझे तुमसे ज्यादा मार्क्स आते हैं सब सब्जेक्ट में, मैं अपनी मम्मी को भी हाउस वर्क में हेल्प करती हूँ, तो तुम्हें सुपीरियर बना किसने दिया? भाई गर्लफ्रेंड में थोड़ी रहोगे आप, ऐसे ही कोई फीमेल नहीं कह सकते कि वो सुपीरियर है, सेम मेल भी नहीं कह सकते कि वो सुपीरियर। सुपीरियर तो वो कोई है ही नहीं ना, इनइक्वल इनइक्वालिटी तो है ही। सो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा जो हमारी सोसाइटी है उसको ध्यान में रखते हुए। सो नेचुरल इनइक्वालिटीज आर कंसिडर्ड टू बी रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज विच पीपल आर बॉर्न। तो जनरली एज्यूम कर दिया जाता है कि नेचुरल डिफरेंसेस जो हैं उसको ऑल्टर नहीं करा जा सकता, क्योंकि जिस कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज के साथ वो पैदा होते हैं या उसे कंटिन्यू करते हैं, जिस चीज पे वो वर्क करते हैं उस चीज को ऑल्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार वो उनकी पर्सनल चॉइस भी होती है। पर जो सोशल इनइक्वालिटीज है ना ये क्रिएट की जाती है सोसाइटी के द्वारा। सोशल इनइक्वालिटीज जो है उसको सोसाइटी ने क्रिएट किया है, उसको नेचुरली किसी चीज ने नहीं क्रिएट किया है। तो डेफिनेट सी बात है कि उस चीज को क्या किया जा सकता है, उस चीज को ऑल्टर किया जा सकता है, उस चीज को एक बेटर तरीके से समाज के सामने लाया जा सकता है। सो सर्टेन सोसाइटीज में फॉर इंस्टेंस वैल्यू दोज हु परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क ओवर दोज हु डू मैनुअल वर्क। तो कुछ सोसाइटी ऑब्वियसली बात है डिफरेंस करती है उनके बीच में, जो इंटेलिजेंट वाला काम करते हैं रादर देन मैनुअल काम। हो गया भाई, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसी कंपनी का लेबर है तो सीईओ को ज्यादा इज्जत दी जाएगी। तो देव और उसके अलावा जो सोसाइटी है मेटरी डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रेस कलर जेंडर कास्ट, तो जो डिफरेंस है ना वैल्यूज ऑफ सोसाइटी तो दूसरे वाले जो है तो ये अनजस्ट है। पहले वाले जस्ट हो सकते हैं क्योंकि वो उनके पोस्ट की वजह से वो लाइफ में अचीव कर सकते हैं, बट दूसरी चीज क्या है वो उनके कास्ट जेंडर, तो ये सब जो है ये समाज की बुराइयां हैं। तो ये चीज हमें समझना है। तो डिस्टिंक्शन इज समटाइम यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इक्वालिटीज इन सोसाइटी, बट इट इज ऑल्सो ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सर्टेन इनइक्वालिटीज होगी इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है और उसको सोसाइटी समझ रही है ठीक ही है भाई। जैसे वुमेन को बहुत लंबे टाइम से क्या बोला जाता है, द वीकर सेक्स, यानी कि ये तो वीक है, वुमेन तो वीक है ही, इनके लिए तो हम क्या ही बोले, तो ये मानते हुए आ रहे थे। तो ये चीज लोगों के दिमाग में इतना बेहतरीन तरीके से घर कर चुकी है, बट ये चीज क्या है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। सो देयरफॉर इट वाज फेल्ट दैट डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट कुड बी जस्टिफाइड। ऐसे ही ब्लैक पीपल जो अफ्रीका में थे उनको कॉलोनियल मास्टर जो थे वो लेस इंटेलिजेंट, चाइल्ड लाइक और बेटर एट मैनुअल वर्क, इन सब चीजों के लिए समझते थे। अब जो बिलीफ था इसकी वजह से वहां पे स्लेवरी बहुत ज्यादा हो गई, बट ये चीज आज क्वेश्चन करी जा सकती है। सो डिफरेंसेस जो हैं, जो डिस्टिंक्शन सोसाइटी क्रिएट कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ पावर बिटवीन पीपल एंड नेशन रादर देन बेस्ड ऑन देयर इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जो ये हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं ना, ये हमें डिफरेंट समाज की बुराइयों की वजह से देखने को मिलते हैं। कई बार समटाइम्स वी आर नॉट द रीजन, सोसाइटी इज द रीजन। सो व्हेन द सोसाइटी इज द रीजन इन अ निगेटिव एस्पेक्ट,
सोसाइटी इज नो वन टू डिसाइड वट आई कैन डू एंड वॉट आई कैन नॉट डू, बट जब एज अ होल सोसाइटी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने लगती है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के पास चॉइसेस नहीं बचती है, तो उस केस में उनकी हेल्प कौन कर सकता है? उस केस में उनकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है। सो अनदर प्रॉब्लम विच अराइज विद द आइडिया ऑफ नेचुरल डिफरेंस कुड बी कंसिडर नेचुरल नीड नो लॉन्गर टू बी अनऑल्टरेबल। फॉर एग्जाम्पल, एडवांसेस इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प मेनी डिसेबल पीपल टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी। कंप्यूटर कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, व्हील चेयर एंड आर्टिफिशियल लिम्ब कैन हेल्प इन द केसेस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, और इवन अ पर्सन का जो लुक है वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी से चेंज हो सकता है। यानी कि पहले हम क्या बोल रहे थे जी कि जो नेचुरल चीज़ें वो तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती, बट अब हमने क्या बोला कि नेचुरल चीज़ें भी तो चेंज हो सकती है ना। सो ये चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो फेमस फिजिसिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, वो मूव और स्पीक नहीं कर सकते थे, बट उनका साइंस में बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। वी ऑल नो दिस। सो इट वुड सीम अनजस्ट टू मोस्ट पीपल टूडे इफ डिसेबल्ड पीपल आर डिनाइड नेसेसरी हेल्प टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ देयर डिसेबिलिटी और अ फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क ऑन द ग्राउंड्स दे आर नेचुरली लेस कैपेबल। सो अगर आप बोल रहे थे इससे पहले कि उनके नेचुरल डिफरेंस की वजह से अगर उनको ट्रीट किया जा सकता है डिफरेंटली, तो कहीं ना कहीं वो बात भी तो गलत हो जाएगी ना आपकी। कैसे गलत हो जाएगी? कि क्योंकि वो जो नेचुरली बॉर्न पर्सन था ना, वो बेटर हो सकता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है सोसाइटी के अंदर, बहुत सारी बातें आ जाती हैं जिसको हमें बहुत ही डिटेल में समझने की ज़रूरत हो जाती है, तभी हम पॉलिटिकल थ्योरी जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सो ये जो सारी थ्योरीज हैं, इन सबको बहुत ही डिटेल में इस तरीके से ही पढ़ा जा सकता है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट